अभी कुल्हड़ पिज्जा तो सबने सुना ही होगा, कुल्हड़ चाय भी सबने सुना होगा। ऑफ कोर्स अभी हम लोग कुल्हड़ मोमो नया लाए हैं। ये आपका खुद का ही नया जी लॉन्च है जी। यम्मी, काफी डिलीशियस है। वाओ, आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर चीज पूरी तरह से पक चुका है। और ये फाइनली हम लोग आ गए मौर्य लोक, और यहाँ पे हम लोग कुछ कुछ खाने में ट्राई करेंगे और देखते हैं क्या है। और ये देखिए सामने में हम लोगों को दिखा एक मस्त वाली पूजा लिट्टी कॉर्नर, तो हम लोग हो सकते हैं यहाँ पे लिट्टी भी ट्राई करें। मनी हिप कैफे, यहाँ पे मोमोज और भी कुछ आइटम है जो कि देखते हैं हम लोग क्या क्या है। अभी हम लोग बना रहे हैं कुल्हड़ मोमो, तो सबसे पहले डाल रहे हैं शिमला मिर्च, प्याज, कॉर्न, ये डाल रहे हैं हम लोग तंदूरी सॉस, पिज्जा सॉस, मेयोनीज, चिल्ली सॉस, ग्रीन चिली सॉस, और ये रेड सॉस, टमाटो सॉस, हाँ, और ये है हमारा फ्राई मोमोज चिकन। अब हमें इस मिक्स कर लेते हैं। अब हम लोग डालेंगे इसमें चीज़ को, ये लो इसमें मिक्स कर रहे हैं, हाँ, ताकि इसका टेस्ट दुगुना है, टेस्टी है। लोग चीज़ को पूरा मिला लेते हैं। हम लोग ले रहे हैं कुल्हड़। अब यहाँ पर कुल्हड़ में ये सारे कंटेंट को डाले जा रहे हैं। अब फिर से इसके ऊपर चीज आएगा। फाइनली इसमें सारे कंटेंट चले गए हैं इस कुल्हड़ में, और ऊपर से इसके चीज का छिड़काव हो रहा है, छिड़काव किया जा रहा है ताकि ये काफी यमी एंड टेस्टिंग दिखे भी और बने भी। बने भी आप देख रहे होंगे इसमें चीज पूरी तरह भरपूर मात्रा में डाली जा रही हैं ताकि इसका टेस्ट काफ़ी यमी आए और काफ़ी चीज़ी आपको ये मोमोज लगे। अभी कुल्हड़ पिज्ज़ा तो सबने सुना ही होगा, कुल्हड़ चाय भी सबने सुना होगा। ऑफ कोर्स अभी हम लोग कुल्हड़ मोमो नया लाए हैं। अब हम लोग इसमें डाल रहे हैं थोड़ी सी मोज़रेला चीज़। क्या है मोज़रेला चीज़? मोज़िला चीज़। इसको मेल्ट होने में ये हेल्प करता है। अभी ये जा रहा है ओवन में, और इसे कम से कम 5 मिनट अभी लगेंगे। ओवन में इसे डाला जा रहा है और इसे लगभग 200 डिग्री सेल्सियस पे इसको हीट किया जाएगा, और ये 10 मिनट तक इसे हीटिंग की जाएगी। ये हमारा कुल्हड़ मोमो तैयार है, और ऊपर से देख रहे होंगे बड़ा ही सुंदर सा इसका व्यू है जी। तो ये आप देख पा रहे हैं कुल्हड़ मोमो हमारा रेडी है। तो ये हमारा लजीज कुल्हड़ मोमो तैयार है, और मैं इसे लेता हूँ और साथ ही इन्हें पेमेंट भी करता हूँ। यमी, काफ़ी डिलीशियस है। वाओ, आप देख रहे होंगे कि इसके अंदर चीज़ पूरी तरह से पक चुका है, और कॉर्न भी काफ़ी अच्छा टेस्ट आ रहा है।